गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग के 4 बजे हैं और ये देखिए पूरा अंधेरा है, और अभी हम लोग 4 बजे मॉर्निंग में बस पकड़े हुए हैं और जा रहे हैं मौसी का घर कोठी रझारा। तो आप लोग ब्लॉग से बने रहिए हमारे साथ, और ये देखिए यहाँ का व्यू देखिए कितना ही अच्छा दिख रहा है। तो गाइस, यहाँ का व्यू देखिए कितना ही अच्छा है, पता नहीं ये क्या है। और अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं, रातू रोड पर गए हैं और जा रहे हैं। तो अपन ब्लॉग से बने रहिए। और इधर मम्मी कहाँ पहुँचे? देखिए यहाँ डेकोरेट किया गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों डेकोरेट किया गया था। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत ठंडा भी लग रहा है, तो चलिए आप लोगों को देखते हैं तो यहाँ का भी दिखाते हैं। सो गाइस, मौसी का यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए मौसी का यहाँ टेंट लग रहा है, तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं। सो गाइस, हम मौसी के यहाँ पहुँच गए हैं और ये देखिए मौसी का घर, ये देखिए दिखाते हैं बैक कैमरा से मौसी का घर कैसा है। और उधर मम्मी है, और एक ये रूम है। तो गाइस देखिए, ये रूम है जो कि पूरा खाली है, 2 तल्ला घर है और ये ऊपर में पूरा खाली है, क्योंकि शादी का घर है तो पूरा मेहमान भरेगा, इसलिए ऊपर वाला रूम खाली है। और नीचे में है जो कि हॉस्टल रहती है, और कितना ही अच्छा घर बनाई है ये देखिए। और इधर मम्मी है, खूब इंजॉय करी ना, खूब मन लग रहा है मम्मी को, खूब मन लग रहा है। और इधर देखिए, इधर इधर भी, इधर खिड़की है और ऊपर शायद घर है, बंद कर देते हैं। और ये रहा एक रूम, और चलिए दिखाते हैं ये बाथरूम है, वो लेटरिंग है, और एक ये हॉल रूम है, और ये जो कि ये ताला लॉक है, ये किचन है। और इधर देखिए, इधर बेसमेंट है, नल है, बहुत ही अच्छा लगा। और एक इधर रूम है, ये देखिए एक ये रूम है जो कि सामान रखा हुआ है। और दिखाते हैं, ये इधर है सीढ़ी रूम, ये देखिए ये सीढ़ी रूम है और ऊपर छत है। और एक ये रूम है, एक ये रूम है, ये देखिए ये भी एक रूम है। और इधर देखिए, ये इधर टीवी रखा हुआ है, और इधर पलंग है, शायद कोई सोता होगा, लेकिन अभी तो खाली है, बंद कर देते हैं इसको। और इधर भी सामान रखा हुआ है, और इधर है बालकोन, चलिए दिखा दे।
इधर बालकोनी है, इधर छत का नीचे कोई बैठा हुआ है इसलिए बालकोनी नहीं दिखा पाए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा घर बना है, नया घर बनाई है मौसी लोग। ये देखिए और आज तिलक है इसलिए हम लोग तिलक के दिन आ गए हैं। और कल शायद हल्दी है कि शायद कल हल्दी है, तो चलिए गाइस और व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तिलक में तिलक आपको दिखाएंगे। तो यही था मौसी का घर जो कि नया बनाई है। और तो गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और हाँ चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे वो भी सबसे पहले। तो गाइस आज तिलक है तो दिखाएंगे तिलक यहाँ का क्या क्या सामान जाएगा यहाँ से लड़के का घर। तो ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। देखिए गाइस छत है और छत का ऊपर से व्यू इस तरह का है। ये देखिए कितना बड़ा छत है और उधर मम्मी और भाभी है। और ये देखिए इधर का लोकेशन बहुत अच्छा है। और वैसे ये गांव है, गांव में ये बिल्डिंग बनाए हैं मौसी लोग। तो ये देखिए और चलिए बैक कैमरा से आप लोग को ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा ऊपर से व्यू। और इधर और इधर देखिए गेंदा फूल लगाई है शायद मौसी लोग। और ये देखिए ये देखिए कितना बड़ा छत है। और अभी ठंडा का मौसम है तो धूप भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और छत में पूरा यहाँ कपड़ा भाट कपड़ा डाल सकते हैं। ये देखिए हम मौसी के यहाँ पहली बार आए हैं। और ये देखिए पूरा गांव गांव का तरह नहीं रहा, पूरा बिल्डिंग बन चुका है। ये देखिए चारों तरफ बिल्डिंग है और खपड़ा का भी है। ये देखिए उधर खपड़ा में भी है और दूर दूर में भी खपड़ा है। और खपड़ा को तोड़ तोड़ के बना रहा सब बिल्डिंग। तो गांव ये गांव गांव की तरह नहीं रहा। ये देखिए चारों तरफ गांव का लोकेशन, हम गांव कभी नहीं देखे थे तो आज देख लिए गांव कैसा होता है। इधर देखिए गाय भैंस बकरी वो पुआल है, कपड़ा का घर है, इधर बिल्डिंग सारा चारों तरफ बिल्डिंग बना दिया है। अभी बहुत धूप लग रहा है, छत पे है हम लोग तो अभी हम छाया पे है क्योंकि धूप में मेरा सर चक्कर आ रहा है।
और आज हम आए हैं बस से, तो पूरा उल्टी करते आए हैं, इसलिए आज मेरा चेहरा पूरा उतरा हुआ लग रहा होगा। तो पूरा हमको बस का बोले, हम बस का सफ़र हमको बहुत ही बकवास लगता है, इसीलिए फिर भी आना पड़ा बस से। तो वैसे आज ट्रेन नहीं चली, इसीलिए बस से आना पड़ा। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, आगे कंटिन्यू रहिए और इन्जॉय कीजिए आप लोग भी। ये देखिए गाइस, तिलक के लिए सामान पेटी में पैक करके सामान गाड़ी में रखा रहा है और बहुत ही बड़ा बड़ा सामान है, पता नहीं क्या क्या है। ये देखिए तो तिलक के लिए जा रहा है।